असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। इसे सार्थक किया है आर्थिक रूप से बेहद कमजोर मंदसौर जिले के छोटे से कस्बे खजुरिया सारंग के निवासी ईश्वर अटेला ने। ईश्वर ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की मदद से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। ईश्वर बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे 12वीं के बाद रोजगार की तलाश में गुजरात गए और एक फर्टिलाइजर कंपनी में 10,000 रुपए मासिक मेहताने के साथ काम करना शुरू किया। कंपनी में काम करते समय ईश्वर अपने साथ पेन और कॉपी रखते थे। जितना भी काम करते थे कॉपी में लिख लेते थे। गुजरात में काम करने के बाद साल 2020 में ईश्वर अपने गांव आ गए। यहां उन्हें पता चला कि नया उद्योग स्थापित करने वालों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। ईश्वर ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया और अटेला ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के नाम से खुद की कंपनी स्थापित की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कक्षा 12वीं पास करने के बाद मुझे रोजगार की तलाश थी और उसी तलाश में मैंने किसी व्यक्ति से पता करा तो गुजरात के अंदर कंपनियों का पता चला। वहाँ पे जाकर मैंने 10 से 12 हज़ार रुपये महीने में काम किया और हमेशा मैं अपने पास में कापी और पेन रखता था तो उसके माध्यम से मैं नोट करता रहा और मैंने ये प्रण ले लिया था कि मुझे भी इंडस्ट्री डालना है। तो उसके लिए मैंने साल भर वहाँ काम किया और साल भर काम करने के बाद मैं अपने गांव आया। मेरे पिताजी की 2 बीघा ज़मीन थी, उसके अंदर मुझे पूरा प्लान तैयार करना था और किसी व्यक्ति के माध्यम से ही मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत एक स्कीम चला रखी है जिसमें कोई भी नया उद्योग स्थापित करता है तो उसमें उसको आर्थिक सहायता मिलती है। तो उसी में मैंने 10 लाख का लोन स्वीकृत कराया और गांव के अंदर मैंने अटेला ऑर्गेनिक इंडस्ट्री नाम से कंपनी स्थापित करी। उसमें MP गोल्ड ब्रांड मैंने रखा अपनी कंपनी का। कभी मजदूरी करने वाले ईश्वर अब न केवल मालिक बन गए हैं बल्कि 3 साल के भीतर ही 20 से 25 लोग आज उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इतने कम समय में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का व्यापार भी कर चुके हैं। ईश्वर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देते नहीं थकते। 20 से 25 लोग आज मेरी कंपनी में उसमें काम करते हैं। उसी प्रोडक्ट को लेके मैं किसानों के पास, व्यापारियों के पास गया और अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिला, जिसके माध्यम से 2020 से लगा के आज तक मैंने 2 से 2.5 करोड़ का व्यापार खड़ा किया है। और मध्य प्रदेश में तो मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं नज़दीकी मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में, पंजाब में और अभी हाल फिलहाल कर्नाटका में भी हमने इसकी शुरुआत करी है और हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई है उद्यम क्रांति योजना, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से आज जो मैंने प्रण लिया उद्यम स्थापित करने का वो सिद्ध हुआ। इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का ऋणी रहूँगा। आपको बता दें कि ईश्वर पहले मजदूरी किया करते थे और अब वे खुद लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। ईश्वर मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक तक खाद बेच रहे हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की वजह से। अगर उद्यम क्रांति योजना नहीं होती तो शायद ईश्वर का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता।